हे गाइस, तो हम आगे एक और नए और अमेजिंग वीडियो के साथ में। तो जैसा कि आपको पता है कि आज 0.15.0 का अपडेट आ चुका है पबजी का, तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या नया है और सेटिंग्स में कुछ चेंजेस वगैरह हैं, तो और अचीवमेंट में भी साथ में कुछ नए ऐड किए गए, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक ज़रूर करना। तो करते हैं वीडियो के स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं एक नई गन का जो कि पबजी मोबाइल में ऐड की गई है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक नई पिस्टल है जो कि जिसका नाम है डेजर्ट ईगल, या फिर इसे डीगल भी कह सकते हैं। तो ये आपको इन्वेंट्री में शो हो जाएगी। तो देख लेते हैं इन्वेंट्री में, तो आपको पिस्टल पे जाना है, सबसे नीचे जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको डेजर्ट ईगल शो हो जाएगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आप देख सकते हैं। अब इसका एक गेम प्ले भी मैंने रिकॉर्ड किया है, वो भी आपको बता देता हूँ। तो गाइज, ये मैंने एरंगल में शूट किया है। एरंगल में मेनली अगर आपको ये गन चाहिए तो आप स्कूल में चले जाना, वहाँ पे एक ना एक ये पिस्टल मिल जाएगी। और इसमें आप होलोग्राफिक एंड रेड डॉट दोनों लगा सकते हैं, और साथ में आप एक्सटेंड भी लगा सकते हैं, एक्सटेंड एक्सटेंड क्विक ड्रॉ या क्विक ड्रॉ, जो कि SMG के वाला एक्सटेंड ही लगेगा। तो ये आपको स्कूल में मिल जाएगी। तो गाइज, इसमें 0.45 की एमओ लगती है, और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसके दो हेडशॉट से ही दो, यानी कि दो बार शूट करना है हेडशॉट पे, और लेवल 3 हेलमेट वाला भी एनिमी मर जाएगा। तो गाइस, चलते हैं अगले अपडेट पे, जो कि कुछ चेंजेस किए गए, अपडेट कुछ नहीं है। तो यहाँ पे UMP 9 का आप नेम देख सकते हैं, UMP 45 का दिया गया है, और इसमें 45.45 ACP MO लगेगी, अब 9 mm नहीं लगेगी, ये चेंज कर दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गिरा के। और इसमें ये कि ये चेंज किया गया है, अगर आप बिना एक्सटेंड के रिलोड करते हैं तो इसमें 25 MO होगी, और एक्सटेंड अगर लगाते हैं तो इसमें 35 MO होगी। तो यहाँ पे 5-5 MO कम कर दी गई है, और MO भी चेंज कर दी गई है, जो कि पहले 9 mm थी और अब इसमें 0.45 कर दिए, और इसका नाम चेंज करके UMP 9 से UMP 45 कर दिया गया है। तो गाइस, बढ़ते हैं अगले अपडेट पे, जो कि होने वाला है लेज ग्रेव का। ये अलग से एक कंट्रोल सेटिंग है जंप की तरह ही, तो और ये जंप की की से ही काम करेगी, और अलग से इसका कोई की ऐड नहीं किया गया है। तो इसमें आप लटक के कहीं पे भी हाइट पे भी चढ़ सकते हैं। तो इसका मैं अभी आपको गेम प्ले दिखा रहा हूँ, इसमें मैं चढ़ के दिखाऊंगा आपको कि कैसे ये काम करता है। आपको जंप वाले पे ही क्लिक करना है, जैसे ही आप कहीं पे भी अगर चढ़ना चाहते हो, या आप कहीं जंप मार के दूसरी बिल्डिंग पे जाना चाहते हो, जैसे कि अभी मैं जाऊँगा, तो गिरते टाइम आप अगर मिस हो जाओ तो आपको जंप का बार बार क्लिक करना है, और ये लेज ग्रैब कर लेगा, जैसे कि अभी ये मैंने किया है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये एक फीचर नया ऐड किया गया है जो कि जंप के की से ही काम करेगा। तो गाइज, नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि होने वाला है फ्यूल एक्सप्लोजन। तो अब आप फ्यूल अगर गोलियाँ चलाते हैं, यानी कि आप शूट करते हैं फ्यूल को, तो वो फट जाता है, यानी एक्सप्लोड हो जाता है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ करके कहीं पे भी किसी को भी उड़ा सकते हैं, अगर आपको कोई भी अटैक करता है। तो ये नया फीचर ऐड कर दिया गया है 0.15.0 अपडेट में। तो गाइस, चलते हैं आप सेटिंग्स में कुछ अपडेट के बारे में देख लेते हैं। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको ऑडियो में जाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑडियो क्वालिटी पहले हाई तक ही थी, बट अब अल्ट्रा भी कर दी गई, जिनका हाई एंड डिवाइस है, यानी कि जिनका प्रीमियम क्वालिटी का डिवाइस है, तो उनके अब अल्ट्रा साउंड भी सपोर्ट करेगा ये। तो गाइस, नेक्स्ट चलते हैं अपडेट पे। अपडेट तो कुछ नहीं है, यानी कि आपको सेटिंग्स में जाना है, कुछ डाउनलोड वगैरह करना होगा। अपडेट करने के बाद में आपको कुछ 600 MB के अराउंड कुछ डाउनलोड करना होगा, जहाँ पे आप नीचे डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। और पहले यहाँ पे आपको 835 MB का दिख रहा है, तो पहले कुछ 260 के अराउंड कुछ था आपके डाउनलोड, तो आपको ये वापस से डाउनलोड करना पड़ेगा। और आपको एक क्लासिक कार्ड, 30 सिल्वर फ्रैगमेंट और ये 2 XBP कार्ड मिल जाएगा फ्री में, तो यहाँ पर आपको जाके डाउनलोड करना है। तो गाइस, इसके बाद हम चलते हैं रिडीम सेक्शन में, और देखते हैं कि रिडीम सेक्शन में क्या नया ऐड किया गया है जो कि हम सिल्वर फ्रैगमेंट से ले पाएंगे। तो यहाँ नीचे हम चलते हैं तो दो आउटफिट हमको शो होगी, जो कि ये एक ब्लू कलर की है और एक ही रेड कलर की। रेड कलर के नाम है रेड ऑट सेट एंड आइस कोड सेट, दो ये ऐड किए गए हैं। इसके अलावा ये एक एवेटार ऐड किया गया है, पायरेट एवेटार, एंड ये पायरेट फ्रेम ऐड की गई है। ये दो ऐड किए गए हैं रिडीम सेक्शन में, जो कि हम सिल्वर फ्रैगमेंट से ले सकते हैं। तो गाइज, आप कुछ अचीवमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बैटल मेनिया पे चलते हैं, ये कुछ अचीवमेंट ऐड किए गए हैं। इसमें आपको स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करके कुछ मैच करने होंगे, तब ये आपके अचीवमेंट पूरे हो जाएंगे। स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पे विक्टर की बात हो रही है, विक्टर कुछ महीने पहले आया था, तो वो एक स्पेशल कैरेक्टर है। उस कैरेक्टर को आपको यूज़ करके उसके बाद में 500 मैच करने हैं, किसी भी मोड में आप कर सकते हैं, क्लासिक या आर्केड मोड में। तो आपके ये 500 मैच होने पर आपके ये सारे अचीवमेंट पूरे हो जाएंगे। तो गाइज, अब नेक्स्ट अचीवमेंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे तो इसमें तो कुछ नया अचीवमेंट नहीं ऐड किया गया है। अब नीचे मेडल वाले पे क्लिक करते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या ऐड किया गया नया।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोइंग ऑल आउट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको पेलोड मैच करने होंगे। पेलोड यानी कि जिसमें हेलीकॉप्टर ऐड किया गया, वो अलग से एक मोड आएगा। अभी तक तो ऐड नहीं किया गया, मे बी 1-2 दिन में ऐड कर दिया जाए या अगले अपडेट में ऐड करे, तो इसका कुछ पता नहीं है। बट यहाँ पे पेलोड मैच आपको जीतने हैं, 20 पेलोड मैच जीतोगे तो आपको ये सारे अचीवमेंट पूरे हो जाएंगे और साथ में एक क्लासिक कार्ड का मिल जाएगा आपको। उसके अलावा नेक्स्ट अपडेट पे बात कर लेते हैं, यानी नेक्स्ट अचीवमेंट पे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अचीवमेंट होने वाले हैं यहाँ पे, इसमें तो कुछ नहीं है। नीचे और बढ़ते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे, तो इसमें भी कुछ नहीं है, नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टनर इन क्राइम। तो यहाँ पे आपको इसका मतलब ये है कि आपको पार्टनर ऐड करना है आपकी प्रोफाइल में। जब आप क्लिक करते हैं तो आपके साथ में एक पार्टनर भी होता है। तो अगर आपने ऐड नहीं किया है, कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको पार्टनर ऐड करोगे तो आपकी एक अचीवमेंट पूरी हो जाएगी। उसके बाद में आपको सैनर्जी बढ़ानी है, यानी सैनर्जी जब आप उसके साथ मैच खेलते हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ मैच वगैरह खेलते हैं, तब ये सैनर्जी बढ़ती है। तो इस तरह से आप सैनर्जी बढ़ा के सारी, तो ये अचीवमेंट पूरे हो जाएंगे। जैसे ही आपकी 3000 सैनर्जी पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो आपके ये सारे अचीवमेंट पूरे हो जाएंगे, जिसमें आपको एक क्लासिक कार्ड और कुछ कूपन वगैरह मिल जाएंगे। तो गाइज़ आप अचीवमेंट कैसे कर दिए पार्टनर के साथ, तो अभी जैसे आप क्लिक करोगे प्रोफाइल पे, तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऊपर शेयर के जैसे ऑप्शन दिख रहा होगा। तो वहाँ जैसे क्लिक करोगे आप, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा जिसमें आपको पार्टनर ऐड करना है। तो पार्टनर ऐड करने के लिए आपको राइट साइड में नीचे पार्टनर हैंडशेक का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, राइट साइड में नीचे कॉर्नर में पार्टनर का। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको पार्टनर का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि अभी मेरा चूज़ है पार्टनर, अगर मेरे को चेंज करना हो, अगर मेरे को सारी अचीवमेंट करनी हो जिसके साथ सैनर्जी ज़्यादा हो, 3000 हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केओस जेपी, इसके साथ मेरी 3949 सैनर्जी है। तो इसको मैं अगर पार्टनर में ऐड कर लेता हूँ तो मेरी सैनर्जी सारी कंप्लीट हो जाएगी और मेरा अचीवमेंट पूरा, एकदम से अचीवमेंट पूरा हो जाएगा। उसके बाद में आप वापस से कर सकते हो, जिसके पहले आप साथ पार्टनर थे उसको ऐड कर सकते हो वापस से। तो इस तरह से आप अचीवमेंट पूरा करने के लिए अपने जिस उस फ्रेंड के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं जिसके साथ आपकी सैनर्जी 3000 कंप्लीट है। तो गाइज आप चलते हैं नेक्स्ट अचीवमेंट पे, जो कि होने वाली है सुपर स्टार, यानी कि इसमें आपको पॉपुलरिटी देनी होगी, यानी आपको कितनी पॉपुलरिटी मिलती है, लोग आपको कितनी पॉपुलरिटी देते हैं। तो इस पर है, तो पहले 2000 तक ही था, अब 10000 एंड 50000 का 2 स्लॉट और ऐड कर लिए गए। तो जैसे ही आप 10000 आपकी पॉपुलरिटी हो जाएगी तो आपको एक क्लासिक का कार्ड मिल जाएगा, और जैसे ही 50000 होगी तो आपको 2 प्रीमियम के कार्ड मिल जाएंगे। नेक्स्ट अचीवमेंट होने वाली है लॉट्स ऑफ फ्रेंड। तो इसमें आपको कुछ कनेक्शन ऐड करने होंगे अपने फ्रेंड के साथ, जो कि आपको पार्टनरशिप में ही जाके वापस से करना पड़ेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ कनेक्शन हो गए, तो इस तरह से आपको 16 कनेक्शन पूरे ऐड करने होंगे। जिस तरह से आप, जब आप 16 कनेक्शन ऐड कर लेंगे तो आपके ये सारे अचीवमेंट पूरे हो जाएंगे, आपको और कार्ड मिल जाएंगे। तो गाइस आपको कनेक्शन कहाँ से ऐड करने हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद में आपको जाना है यहाँ पे शेयर वाले पे फिर से, और वहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा जिसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी वगैरह ये शो, ब्रोमेंस वगैरह शो रहे हैं। तो इस तरह से आपको 16 फ्रेंड को ऐड करना है, और ऐड करने पर आपकी अचीवमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइज अब कुछ एडिशनल फीचर के बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए आपको फिर से वहीं पर पार्टनर पर आना पड़ेगा। तो उसके बाद में आपको यहाँ पर राइट साइड में पार्टनर के ऊपर एक स्लॉट दिख रहा होगा, वहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ ऐसे इमोट वगैरह, यानी इमोट नहीं कह सकते इनको, कुछ ऐसे स्टाइल वगैरह है। तो ये मेरे 3 अनलॉक्ड है, देख सकते हैं आप, ये अलग अलग, यानी कि आपके लॉबी लॉबी नहीं, जब आपके प्रोफाइल पे कोई क्लिक करेगा तो आप कैसे दिखोगे, तो वो अलग अलग तरह के स्टाइल है। तो ये कुछ ऐड किया गया है यहाँ पे इस। तो गाइस फाइनली हम बात कर लेते हैं एक टाइटल के बारे में, जो कि आपको परमानेंट मिलेगा। तो वो आपको कैसे मिलेगा, आपको प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे हम प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक टाइटल है सौरभ ब्रोमेंस, यानी कि मेरा जो पार्टनर है वो सौरभ है। तो उसके जैसा का टाइटल, उसके नाम का टाइटल कहाँ से मिलेगा, तो आपको यहाँ पे ये सैनर्जी के ऊपर जो शेयर का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं सैनर्जी 1000। तो यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में जो ये पिंक कलर का है, यानी कि जो लेजेंडरी आइटम की तरह है, तो ये आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपको जाके यहाँ पे टाइटल में, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे आपको टाइटल में नीचे यहाँ पे शो हो जाएगा, जो कि अभी मैंने यूज़ करके रखा है। तो इस तरह से आपको इस टाइटल का यूज़ कर सकते हैं, ये परमानेंट टाइटल है। तो ये आपको टाइटल चेंज होता रहेगा, यानी कि आप जैसे ही इसके, आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपकी 1000 सैनर्जी हो जाएगी तब आपके पास ये टाइटल मिल जाएगा। अगर आपका पार्टनर चेंज हो जाता है तो उस हिसाब से आपका नेम भी चेंज हो जाएगा पार्टनर का। तो इस तरह से आपको एक परमानेंट टाइटल मिल जाएगा।
तो गाइज आई होप आपको सारे अपडेट के बारे में पता चल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल पे नए और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर करना। हमारे 1000 सब्सक्राइबर होने वाला है लगभग, दिवाली से पहले 1000 सब्सक्राइबर हो जाए तो और भी अच्छा है। तो उसके बाद में हम गिव अवे भी लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।